नए फिर से लाइव हो जाएगा क्या? वही पे ना, नेट में लाइन है। ये फिर से हो गया, फिर से हो गया लाइव। कहाँ पे शो कर रहा है? बहुत गर्मी। उसी का स्टार्ट है दूसरा, फिर से स्टार्ट हो गया शायद। बहुत गर्मी लग रहा है। उस पर थोड़ा चैटिंग में लिख दीजिए ना, सब लोग दूसरे पे आ जाइए। चलिए देखिए बाबू, थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, इन्वर्टर जो है डिस्चार्ज शायद हो गया था, इस वजह से शायद ये दूसरा आपका लाइव स्टार्ट हो गया, दूसरा वीडियो स्टार्ट हो गया, लाइट कट गया और इन्वर्टर शायद डिस्चार्ज था, इस वजह से ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, अब देखिए बहुत सारे लोग जो है सो पीछे वाले वीडियो पे लाइव थे और ये शायद आपका फिर से लाइव हो गया, ठीक है? तो सारे के सारे लोग को एक बार जल्दी से आप जोड़ लीजिए, ठीक है? नहीं समझ रहे हैं, ये पहले से आपका जो लाइव सेशन था वो आप कर सकते हैं खत्म हो गया और फिर से आपका लाइव हो गया ये, ठीक है? तो सारे के सारे लोग को जल्दी से आप जोड़ लीजिए, सारे के सारे लोग को जल्दी से आप जोड़ लीजिए, ठीक है? चलिए, वीडियो रुक रहा है क्या? चलिए सारा ओके है, जल्दी से एक बार थोड़ा सा सारे लोग थम्सअप कर देंगे, सारे लोग ओके हैं? लाइव कम दिखा रहा है, हाँ वो सारे लोग हट गए हैं, वो दूसरे पे चल हैं अभी। सारे लोगों को जोड़ लीजिए आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 हम देख रहे थे, क्या कह रहा था? ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है और बी से 10% की हानि पर सी को बेचता है। सी ने इसके लिए इतने रुपए का भुगतान किया है तो ए ने कितने रुपए में खरीदा? तो सिंपली यहां पर मैंने ए को ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए क्या हुआ, बी को बेचता है 15% के लाभ पर, तो आप बताओ यार 15% को हम कितना बोलेंगे भिन्न में, जल्दी बताइए। 3/20 बोलेंगे क्या? 3/20 बोलेंगे, 15/100 करके काटिए ना, और लाख पर बेचता है तो होल वैल्यू कितना हो जाएगा? 23/20 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब सुनिए इसके बाद क्या कहता है, बी इसे 10% की हानि पर सी को बेचता है, तो देखिए 10% की वैल्यू भिन्न में कितना होगा? 1/10, और हानि पर बेच रहा है इसलिए कितना होगा होल वैल्यू? 9/10। हानि पर जब रहता है तो क्या करता है, घटा देते हैं। फिर कहता है यदि सी ने इसे इतना रुपया बेचा हो, इसके बाद देखिए सी का पैसा दे रखा है, कितना दे रखा है यार? 517.5। तो हमसे पूछ रहा है ए के बारे में बताओ, ए का क्रैमूल बताओ, और ये 2017 में सीजीएल मेंस इस क्वेश्चंस को पूछ चुका है। आप जल्दी से सारे लोग इसका आंसर बताएंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये 10 जाकर के जब उसमें गुना होगा तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक है? फिर इसके बाद देखिए 9 से इसको हम काटते हैं तो कितने बार में कटेगा? तो 9 × 5 = 45 है, 1 मिनट, 9 × 5 = 45 और 6 × 7 = 57, तो 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, देखिए 6 × 7 = 67 ना, 1 मिनट, 6 × 7 = 67, तो 9 × 7 = 63 और 4 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 575 बार में कटा। फिर 23 से इसको हम काटते हैं तो 23 × 2 कितना? 66 और 23 × 5 = 115, ठीक है? तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 × 25 मतलब कितना? 500। 500 जो लोग आंसर किए थे एकदम सही जवाब है, ठीक है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 आप सारे के सारे विद्यार्थी आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर सारे के सारे विद्यार्थी बताएंगे, और थोड़ा सा सारे लोग को आप जोड़ लीजिए जो भी आपके सर्किल में जुड़े हुए थे, ठीक है, सारे लोग को जोड़ लीजिए, क्योंकि देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, लाइट कट गया और इन्वर्टर भी शायद कोई कोई करने लगा है ना, मतलब डिस्चार्ज हो गया, इस वजह से हम लोग की कनेक्टिविटी खत्म हो गया और बाय मिस्टेक फिर से दूसरे जगह हम लोग लाइव हो गए, पहले वाले लाइव से हटकर दूसरे जगह हो गए, इस वजह से मैक्सिमम लोग पीछे वाले पर अभी हैं लाइव, है ना, तो सारे लोग को आप जोड़ लीजिए, सारे लोग को आप जोड़ लीजिए और क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए सब लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर सारे के सारे विद्यार्थी बताएंगे, थोड़ा टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा, लोग आ जाएंगे, डाल दिए हैं, चलिए अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 मैं बता दे रहा हूं, आप सारे लोग थोड़ा फोकस करिए यहां पर, कहता है बढ़िया प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस 2018 का है, बहुत कह सकते हैं अपडेटेड क्वेश्चन है, सारे लोग ध्यान दीजिए, करे राम ने एक घड़ी खरीदा और 10% के लाभ पर श्याम को बेच दिया। आप सुनो यार, यहां पर सारे के सारे लोग ध्यान देंगे कि राम मान लेते हैं घड़ी खरीदा आपका 100% पर, देखिए घबराना नहीं है, ये मेंस 2018 में पूछा है और ये भी चैन रूल पर आधारित प्रश्न है और आप सारे के सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को एकदम बउआ की तरह समझ लोगे, ठीक है। राम मान लिए घड़ी को खरीदा 100% पर, ठीक है, और 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया, तो आप बताओ यार यहां पर श्याम को बेच दिया 10% लाभ पर, मतलब 110% यहां पे हो जाएगा, क्लियर है बात। अब फिर क्या करेगी श्याम, उसे 120 रुपया लाभ पर मोहन को बेच दिया। चलो यार अब यहां पर मोहन पे आ जाओ, मोहन पे, और श्याम जो है 120 रुपया, अब देखिए ये परसेंट है और ये रुपया है, अब ऐसा नहीं कि 110% और 120 जोड़ के 230 कर दिए, कभी नहीं, परसेंट और रुपया दोनों अलग अलग रहेगा। तो श्याम खुद खरीदा था कितना में, 110% में, लेकिन मोहन को बेचा 120 रुपया लाभ लेकर के, इसका मतलब मोहन कितना में खरीदा होगा, 110% प्लस 120 रुपया, ठीक है। अब सुनिए इसके बाद क्या कहता है कि मोहन ने उसे उतने ही रुपया लाभ पर मुरारी को बेचा। लीजिए और आ गया बंदा मुरारी, मुरारी देखिए राम जो है श्याम को बेचता है 10% लाभ पर, तो 100 तो 110, और श्याम बेचता है मोहन को 120 रुपया लाभ पर, तो 110 प्लस 120 रुपया। अब मोहन बेचता है मुरारी को, मुरारी को पढ़िए ना, मोहन ने उसे उतने ही रुपया लाभ पर बेचा, पर मुरारी को बेचा जितने रुपये लाभ पर राम ने बेचा था। सुनिएगा, मोहन मुरारी को उतना ही रुपये लाभ पर बेचा जितना रुपए लाभ पर राम ने बेचा था। तो आप बताओ यार, राम बेचा था श्याम को, याद है 10% लाभ पर, आप शायद भूल रहे हैं, देखिए सब 110, राम बेचा था 10% लाभ पर, और जितना परसेंट पर राम बेचा था ठीक उतना ही रुपए लाभ पर मोहन भी बेचा है मुरारी को, कितने, 10% लाभ लेकर के। तो आप बताओ यार, इसमें जब 10% हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110% और ये 10% तो जुड़ेगा तो 120 हो जाएगा, 120% हो जाएगा, और प्लस कितना, 120 रुपया हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। देखिए ये हो गया राम का क्रैमूल, ये श्याम का क्रैमूल, ये मोहन का क्रैमूल, और ये हो गया मुरारी का क्रैमूल। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, मेंस 2018 में पूछा है, कहता है यदि मुरारी 10,080 रुपया भुगतान किया हो, मुरारी 10,080 रुपया भुगतान किया है, तो सिंपली हम कर देंगे इतना बराबर, सारे लोग ध्यान देंगे, 10,080 रुपया, ठीक है, इतना बराबर 10,080 रुपया, तो सुनिएगा 120 रुपया जब जाके उसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा, 960, अरे ई जाके उसमें घटेगा तो 960 होगा। अब देखिएगा 120% बराबर 960 रुपया, क्लियर है बात। अब देखिए 120 से ही कट जाएगा एक बार में, और 120 से ही कट जाएगा 8 बार में, इसका अर्थ क्या हुआ, 1% की वैल्यू 8 रुपया, 1% की वैल्यू 8 रुपया, फिर से 1% की वैल्यू 8 रुपया, 1% की वैल्यू 8 रुपया। तो आपसे क्या बोलता है कि राम ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, 1% की वैल्यू 8 रुपया, तो राम कितने में खरीदा था, राम खरीदा था सर 100%
में, तो 1% की वैल्यू 8 रुपया, तो 100% की वैल्यू 800 रुपए, और 800 रुपए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कितना कह सकते हैं मजेदार प्रश्न है, और कितनी आसानी से मैंने सरल भाषा में इसको बता दिया। ये मेंस 2018 का प्रश्न है और ये कह सकते हैं चैन रूल पर आधारित है। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, मान लिए राम खरीदे 100% पर, श्याम को बेचता है 10% लाभ पर तो 110, मोहन को बेचता है 120 रुपया ज्यादा में तो 110% प्लस 120 रुपया, और मोहन मुरारी को उतना ही लाभ में बेचता है जितना लाभ पर राम बेचा था। तो राम बेचा था 10% लाभ पर तो इतने पर मोहन भी लाभ लेता है, तो 10% इसमें जोड़िए 110 में तो 120% हो गया, और रुपया को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। और यही मुरारी द्वारा चुकाई गई रकम 1080 के बराबर है, तो 120 जाके घटा 960 बराबर 120%, 1% का मान 8 रुपया। अब राम का क्रैमुल पूछ रहा है तो 100% का मान 800, श्याम का पूछेगा तो 1% बराबर 8, 110% का मतलब कितना हो जाएगा 880 आपका हो जाएगा, मोहन का पूछेगा तो 1% बराबर 8, इसलिए 880 और 120 यहां जोड़ देंगे। तो किसी का भी पूछेगा, मोहन का पूछेगा तो भी निकल जाएगा, श्याम का पूछेगा तो भी निकल जाएगा, और राम का तो खैर हम निकाल ही चुके हैं। कुछ लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लिए होंगे, कुछ लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर लिए होंगे। जैसे देखिए मैं सिखा रहा हूं यहां पर, सारे के सारे बंदे यहां पर ध्यान देंगे कि सर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कैसे कर लेंगे, आप बताइए जरा ऑप्शन से इसको हम कैसे कर लेंगे ये बताइए सर। तो देखिए 800 रुपया ही आंसर आया था, याद है ना। अब 800 रुपया में कौन खरीदा है, राम खरीदा है, ठीक है, और 10% लाभ पर किसको बेच दिया, श्याम को, तो इसका 10% कितना होगा 80, तो कितना हो जाएगा श्याम का क्रैमुल 880, ठीक ना। अब फिर श्याम बेचा है 120 रुपया लाभ कमा के किसको, मोहन को, तो आप इसमें 120 रुपये जोड़ दो यार, कितना हो गया 1000, अरे 1000 हुआ कि नहीं, 1000 हुआ। अब फिर मोहन बेचा है मुरारी को, मुरारी को बेचा है मोहन कितना लाभ पर, तो जितना लाभ पर राम बेचा था, तो राम बेचा था कितने पर, 80 रुपया लाभ पर, इतना ही लाभ लेकर के मोहन भी बेचा है, तो आप इसमें 80 रुपया जोड़ दो यार, बोलो 1080 हुआ कि नहीं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेटिस्फाइड कर गया। इसका मतलब 800 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, राइट है आपका, तो ऑप्शन के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 ध्यान दीजिएगा सब लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 आप सारे के सारे के बंदे ध्यान देंगे, टोटल सारे लोग क्वेश्चन नंबर 47। अब देखो यार 47 नंबर जो है प्रश्न, 47 नंबर यहां पर जो प्रश्न है वो आपका बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न है। तो जैसे हमारा ये विचार है कि ये जो 47 नंबर क्वेश्चन से जो है, अब ये बेईमान दुकानदार पर प्रश्न आ रहा है ना, आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बेस्ट क्वेश्चन से, ठीक है। और देखिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बेस्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें बहुत सारा वैरायटी का क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न मैंने इसमें रखा है, आप देख सकते हैं बहुत सारा प्रश्न यहां पर मैंने इसमें लगा रखा है आपको, बहुत सारा प्रश्न इसमें मैं लगा रखा हूं आपको। तो हम ये चाहते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका नेक्स्ट क्लास में हो, कल 10 बजे हो, क्योंकि देखिए काफी लोग जो है सो बिछड़ चुके हैं। और दूसरी नंबर चीज आपका ये है, जैसे देखिए लाइट कटा हुआ है और इन्वर्टर जो है कोई कोई कर रहा है, तो हमको लगता है शायद बीच में अगर फिर से एक बार डिस्चार्ज हो जाए या डिसकनेक्ट हो जाए तो फिर मजा बिल्कुल किरकिरा जाएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम इन्वर्टर को भी सही करवा ले रहे हैं, जो टेक्निकल चीजें हैं, और बाकी मैंने जो आपको फर्स्ट टाइप कराया है उस पर आप फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और लोग को थोड़ा इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि फर्स्ट टाइप जो है उसका 2 वीडियो बन गया है, लेक्चर 5 का आप देखिएगा 2 वीडियो बन गया है, ठीक है। तो आप सारे के सारे विद्यार्थी थोड़ा सा उसको कॉपरेट करेंगे, और बाकी हम मिलेंगे कल 10 बजे यही डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बेस्ट से टाइप को लेंगे और आगे इसमें हम टाइप को लेंगे, ठीक है। और शाम 7 बजे आज रेलवे कह सकते हैं एनटीपीसी और दरोगा स्पेशल हम टेस्ट रखे हैं, सारे के सारे विद्यार्थी पूरे दोस्तों के साथ आज शाम 7 बजे लाइव रहिए, ठीक है। टेस्ट का डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का हम कराएंगे, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, और बाकी हम मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।